खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे भूतपूर्व सैनिक ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह एवं देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने ऊपर दर्ज 323, 506, 294, 353, 186, 334 की धारा के तहत झूठा प्रकरण दर्ज की जांच कराकर समाप्त करने की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि वह भूतपूर्व सैनिक है और ग्राम पतेरी थाना पनवार का रहने वाला है। 30 नवंबर 2022 को उसके गांव में स्कूल के पास शोर शराबा सुनाई दिया। शोर शराबा सुनकर पहुंचा तो पता चला कि स्कूल खेल मैदान में जांच करने कुछ अधिकारी पहुंचे थे। उसी समय झगड़ा शुरू हो गया। भूतपूर्व सैनिक ने देखा कि सरपंच प्रदीप सिंह, पिता अमर बहादुर सिंह एवं रंजन सिंह, पिता घनश्याम सिंह, सहायक सेक्रेटरी ज्योति राज को मार रहे थे। पीड़ित ने सहायक सेक्रेटरी ज्योति राज को बीच बचाव का काम किया तो सरपंच ने भूतपूर्व सैनिक की गर्दन पकड़ ली और राजन सिंह, पिता घनश्याम सिंह ने पीड़ित को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बताया जाता है कि भूतपूर्व सैनिक के साथ फूलचंद पांडे, पिता बिंदेश्वरी प्रसाद पांडे ने भी मिलकर मारपीट किया था। सहायक सेक्रेटरी ज्योति राज ने सरपंच प्रदीप सिंह और सज्जन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें मुकदमा दर्ज हो गया, जिससे गवाह में भूतपूर्व सैनिक ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह नाम दर्ज करा दिया, जिसके चलते सरपंच प्रदीप सिंह द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर उसके खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करा दिया गया है। और सरपंच प्रदीप सिंह के द्वारा हमेशा पीड़ित के भाइयों को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जाती है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से दर्ज मामले की निष्पक्ष जांच कर समाप्त करने की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है। देने आ पाए हैं क्या, घटना क्या है? सर, हम रिमारी गांव से आए हुए हैं। हमारे यहाँ स्कूल में खेल मैदान की जांच करने कुछ अधिकारी लोग आए हुए थे, तो हम अपने दुकान में दुर्गा जी की मूर्ति नव दुर्गे मंगाते हैं, तो दुर्गा जी के पास था। कुछ व्यक्ति बोले जांच वाले आए हुए हैं, तो उसी टाइम हल्ला मचने लगा स्कूल में। हम वहां गए, नज़दीक ही है हमारे दुकान के, तो सरपंच पिता प्रदीप कुमार सिंह, पिता अमर बहादुर सिंह और रज्जन सिंह, पिता घनश्याम सिंह, सहायक सेक्रेटरी को मारना चालू कर दिए। सर, सहायक सेक्रेटरी जब रोने लगा तो मैं देखा, मेरे से देखा नहीं गया, मैं बीच बचाव करने लगा तो बोले कि तू हट जा सामने से। फिर मेरे को भी दो थप्पड़ मारा और पीछे से रज्जन सिंह थप्पड़ और लात मारे और फिर बोले, गाली गलौज हमको दिए, बोले तेरे को ऐसा फौजी बनाऊंगा कि तू याद रखेगा। मारपीट की मेन वजह क्या थी? मेन वजह खेल मैदान की जांच हो रही थी और सहायक सेक्रेटरी को बोले ये खेल मैदान का पैसा खा गया, तेरी जांच कराऊंगा, जहां पर बोलता हूं तू दस्तखत नहीं बनाता, जहां मैं बोलूंगा वो करेगा, नहीं तेरे को ट्रांसफर करा दूंगा, दूसरी जगह चला जाएगा, करवा कर मानूंगा। ये कौन बोल रहा था? सरपंच। किसको? सचिव को बोल रहा था? हाँ, सचिव को बोला तू जहाँ मैं बोलूँ वहाँ दस्तखत बना, नहीं तो सहायक सेक्रेटरी। किस पंचायत का मामला ये? ग्राम पंचायत बड़ाच। इसकी शिकायत थाने में किए थे? किसी थाने में मैं गया था, थाने में उस टाइम जब हुआ था तो मैं, घर वाले बोले वो बहुत बड़े आदमी है। कौन से थाने गए थे? पनवार थाने गया था, तो घर वाले ने मना कर दिया, बोला कि उनके पास करीब 400 बीघा जमीन है, वो एक बीघा जमीन बेच देंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बेटा तुम मत जाओ। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं, अभी हमारे ऊपर 3 महीने बाद बोले थे फंसाऊंगा तुमको, कभी बोलते हैं दुकान में गांजा रखवा दूंगा, कभी बोलते हैं। नाम क्या है आपका? क्या नाम? मेरा नाम है बिजन प्रताप सिंह। आप पूर्व सैनिक है? हाँ, भूतपूर्व सैनिक है, परेशान है, हमारा नाम जुड़वा दिया गया, अभी 3 महीने बाद झूठा फंसा दिया गया, बोल रहे हैं अभी। मारपीट का वीडियो भी कुछ आपके पास? हाँ, मारपीट का वीडियो है हमारे पास।